हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूं क्या है आपके पर्सन के लेट नाइट डीप इमोशंस, वो डीप इमोशंस जो इस वक्त में दिल में तो है लेकिन किसी से कह नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, बस उन्हें अपने अंदर इन्होंने कैद कर रखा है। तो उन्हीं डीप इमोशंस को यहाँ पर व्यूअर्स पढ़ा जा रहा है आपके पर्सन के। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो वही बातें आपको लेनी है जो आपसे कनेक्ट हो पाए। उसके अलग आपको व्यूअर्स फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, हो सके तो उनका नाम आपको 3 से लेकर 5 बार मन ही मन में ले लेना है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से करना है। एंड चैनल पर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक जरूर से करना है, क्लेम जरूर से करना है, ग्रेटिट्यूड जरूर से देना है। एंड साथ में आपको ये भी बताना है कि कितना परसेंटेज आप अपने आप को रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं इनकी डीप एनर्जीज, किस एनर्जी में ये पर्सन इस वक्त में है सबसे पहले ये जानेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस, बताइए स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप एनर्जीज क्या हैं, करंट डीप इमोशंस व्यूअर्स के पर्सन के क्या हैं, स्पिरिट गाइड प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए। हेल्पलेस एंड होपलेस, जॉय एंड स्टेबिलिटी, शेयर द लव, मास्टर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस, करंट डीप एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या है, लव, शाइन, थ्रोट चक्रा, सक्सेस एंड ग्रोथ एंड कंट्रोल। ओके, तो व्यूअर सबसे पहले एक बार राशियां डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका दिखेगा ये जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ये आपका फायर एलिमेंट यानी कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये आपका कैप्रिकॉन, ये आपका जेमिनी, ये आपका लियो एंड ये भी आपका लियो है। तो ये राशियां मुझे इंपॉर्टेंट दिखी है। यहाँ पे ना व्यूअर्स मुझे ये पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि तकरीबन 8 या 9 साल का आपका रिश्ता रहा है, चाहे इतने साल का रहा उसके बाद प्रॉब्लम आई, या टोटल इस रिश्ते को 8 से लेकर 9 साल हुए जिसमें कुछ वक्त साथ रहे तो कुछ वक्त अलग रहे हो, या फिर 8 महीने या 9 महीने से अलग हो, या अगस्त मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से रिलेट करना है। अब बात करी जाए कि इनके करंट डीप इमोशंस, करंट डीप एनर्जीज क्या है। देखिएगा, टॉपिक भी हमारा आज की इस रीडिंग का यही है कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या हैं, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन ने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं अपने अंदर रख रखा है, उसे ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो देखिएगा, बॉटम की एनर्जीज वही आई है, कंट्रोल, कि आपके पर्सन ने डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स जो इनके दिल में आपके लिए है उसे बहुत कैद करके रख रखा है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन ना सिर्फ अपने आसपास की चीजों को ही नहीं देख रहे हैं, ये फिर ये कह सकते हो सिर्फ ये करंट की सिचुएशंस में ही रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये हर एक चीज को एक बड़े नजरिए से देख रहे हैं, बहुत बाहरी तौर पर देख रहे हैं, और जितना ज्यादा ये बाहरी तौर पर या बड़े नजरिए से चीजों को देख रहे हैं उतना ज्यादा इन्हें ऐसा लग रहा है या इनकी एक ऐसी सोच बनी पड़ी है, लोग क्या कहेंगे, या फिर किसी की तो निगाहें इनके ऊपर है, किसी का तो कंट्रोल इनके ऊपर है, किसी के तो कंट्रोल में, किसी के तो इन्फ्लुएंस्ड में ये है, जिसके चलते ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर कैद करे हुए हैं। यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में सबसे ज्यादा जो चीजें चल रही है ना वो ये कि कुछ नहीं कर पाए या कुछ नहीं कर सकते, या किसी तरह की उम्मीद भी अब इन्हें नहीं दिख रही है, और स्पेशली उम्मीद किस वे में व्यूअर्स, प्यार के मामले में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के मामले में, इस कनेक्शन के मामले में, जो इनकी उम्मीदें टूट रही है, ये टूट रहे हैं, ये उसे किसी को भी बता नहीं रहे हैं, उसे अपने अंदर बहुत ज्यादा हाइड कर रहे हैं। इन्हें अपनी तरफ से ये रिश्ता बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता हुआ, बहुत ज्यादा
चैलेंजिंग से भरा हुआ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से भरा हुआ नजर आ रहा है, जिसे ये पर्सन आपको भी नहीं बता रहे और इन्हें भी नहीं बता रहे हैं। हालांकि ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिल में जज्बात जो है वो मर गए हैं, प्यार जो है वो मर गया है, वो बिल्कुल भी नहीं है। वो दिल में जज्बात हैं इस रिश्ते में जुड़ने के, इस रिश्ते में ही रहने के, लेकिन क्योंकि चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा मैस्टअप हुई भी नजर आ रही है, इसीलिए ये पर्सन तरह की उम्मीद टूटने की वजह से अपनी फीलिंग्स को जो आपको लेकर है उसे कैद करे हुए हैं अपने अंदर। इस इंसान को अगर कहा जाए कि भाई तुम्हारे को स्टेबिलिटी किस में दिखती है, या तुम किससे शादी करना चाहते हो, या किसके साथ रहना चाहते हो, किस में तुम्हें आज भी अभी भी अपनी खुशियां दिखती हैं, या किस तरह से तुम्हें लगता है कि तुम खुश रह पाओगे, तो इनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ आपका नाम निकलता है। ना सिर्फ केवल मुंह से, इनके दिल से, इनकी सोल से एक अलग जो फीलिंग होती है ना, तो वो इनकी आपको लेकर होती है। और यही रीजन बन रहा है यहाँ पे इस इंसान का अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर कैद करने के पीछे का। मुझे ना ये चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं कि लास्ट में इस इंसान ने कुछ ऐसे शब्द आपसे कहे, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हुई, जिसके चलते यहाँ पर आपकी तरफ, इनकी तरफ से ये मैसेज गया कि इनका प्यार आपके लिए नहीं है, ये कहीं और अपना प्यार बांट रहे हैं, या फिर ये अपना प्यार आपके लिए नहीं रख रहे हैं, इनका प्यार किसी और के लिए है। लेकिन वो जो भी आपके पास मैसेज आया है ना व्यूअर्स, या चाहे इन्हीं के मुंह से बोला गया हो, एक्चुअली में वो गलत मैसेज आप तक पहुंचाया गया, या वो गलत मैसेज इन्होंने आप तक पहुंचाया, क्योंकि उस वक्त पे भी ये पर्सन किसी के कंट्रोल में थे, किसी के ये मास्टर थे, किसी को कामयाबी दिलाने की वजह से इस इंसान ने आपसे कुछ ऐसा मैसेज भेजा, या आपसे कुछ ऐसा बोला कि आप आगे बढ़ जाओ, आप मूव ऑन कर जाओ, इनका प्यार किसी और के लिए है, ये किसी और से प्यार करते हैं। तो उसके पीछे का रीजन बेसिकली ये है, जिसे ये पर्सन छुपा रहे हैं, जिसे इन्होंने अपने अंदर रख रखा है, यानी कि अपने लास्ट कहे हुए मैसेज को लेकर भी आपके पर्सन बहुत ज्यादा निराशावादी हो रहे हैं, उम्मीदें तोड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि उस मैसेज के बाद डेफिनेटली आप इनका इंतजार नहीं कर रहे होंगे, या आपके मन से, आपके दिल से डेफिनेटली किसी पॉइंट पर तो जो एक भरोसा इन पर था वो टूट गया होगा, वो ब्रेक कर गया होगा, तो वो चीजें इनके दिल में चल रही हैं। जैसे कि एक ऐसा मैसेज कि शायद किस्मत में इतना साथ था, या फिर इन्हें ग्रोथ जो है वो आप में नहीं दिख रही, या इस रिश्ते में ये और नहीं रह सकते हैं। तो कोई भी मैसेज, हर किसी के सिचुएशन में ये जो भी मैसेज होगा वो अलग अलग तरह से वैरी करता होगा, और यही वजह बन रहा है इस इंसान का अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को छुपाने के पीछे का। ठीक है व्यूवर्स, चलिए मैं टैरो से देखती हूँ तो पता चलेगा और क्या है इनके मन में, जो इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर छुपा रखा है। इनके मैसेजेस देखते हैं, ठीक है, रिवर्स में भी कार्ड्स पढ़ूंगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस को बताइए, स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे है आपका व्यूअर्स एम्प्रेस इन रिवर्स, एंड इवन यहाँ पे आपका किंग ऑफ वैंड्स भी रिवर्स में आया है। ठीक है टॉरस, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रांग में दिख रहा है, कहीं ना कहीं क्योंकि ये पर्सन इस वक्त में ज्यादा निराशावादी हो रहे हैं, या फिर एक उम्मीद इस इंसान की इस वक्त में टूट रही है इनके अंदर, इसी रीजन की वजह से दिल में इनके ये इच्छाएं काफी ज्यादा उठ रही हैं कि आपके दिल में जो इनको लेकर अट्रैक्शन हुआ करता था वो मर गया है, या फिर आपके तरफ से जो इन्हें मिलता था वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो फ्रूट्स जो भी आपके तरफ से मिलते थे वो सभी चीजें अब इन्हें नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन्होंने इस रिश्ते की लीड जो है वो नहीं उठाई, इन्होंने इस रिश्ते पर वो काम नहीं करा जो इन्हें करना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त पे ये पर्सन डेफिनेटली अपनी जो लीड थी वो किसी और को दे रहे थे, या इन्होंने किसी और के लिए ओरिएंटेड होने की वजह से अपने अट्रैक्शन तक को जाहिर नहीं करा, उसको लेकर एक्सप्रेसिव नहीं हुए। अगर ये एक्सप्रेसिव होते सही तरीके से या पॉजिटिव वे में, तो डेफिनेटली आज ये उस दो राहे पर ना खड़े होते, या आज इस तरह से यही रिश्ता, यही फीलिंग्स, यही कनेक्शन, यही अट्रैक्शन इस इंसान को इतना ज्यादा
कंफ्यूज ना कर रहा होता, तो उस तरह की चीजें इनके दिल में इस वक्त में चल रही हैं। यानी कि देखो व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते को संभाल सकते थे, बचा सकते थे, लेकिन स्टिल इन्होंने इस रिश्ते को नहीं बचाया। इस वक्त भी इस इंसान के दिल में हालांकि ये चीजें भी चल रही हैं कि भाई इन्होंने बहुत मेहनत करी इस रिश्ते को संभालने की, जो शायद आप तक नहीं पहुंची, यानी कि इन्हें समझाने की, सर्कमस्टेंसेस को अपने फेवर में लेकर आने की इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली ये कुछ भी संभाल नहीं पाए। इन्हें किसी की वो उस तरह से हेल्प नहीं मिली जिसके चलते अल्टीमेटली ये रिश्ता इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ा, या ये रिश्ते में वो एक्शंस नहीं ले पाए जो यहाँ पर आप इनसे उम्मीद कर रहे थे। और उसी चीज ने ना आपके मन से इनके लिए जो अट्रैक्शन हुआ करता था, या जो आपके नजरों में इनकी एक इमेज हुआ करती थी ना कि बहुत ज्यादा मैच्योर हैं, सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत ज्यादा एक लीडरशिप वाली उनकी पर्सनालिटी है, वो सभी चीजों को आपकी नजरों में इनके लिए धूमिल कर दी है। तो वो चीजें इन्हें इस वक्त में फील हो रही हैं, यानी कि एक सोच आपकी ना इस इंसान ने वहीं पर रोक दी है, इस तरह का काम करके, या इस तरह से कहीं ना कहीं इस इंसान ने जो आपकी नजरों में इनके लिए रेस्पेक्ट थी ना, वो रेस्पेक्ट खत्म कर दी है। तो ऐसी चीजें इन्हें डीप इनसाइड काफी ज्यादा हेल्पलेस और होपलेस कर रही है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस, बताइए लेट नाइट करंट डीप इमोशंस व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर उनके पर्सन के क्या बने हुए हैं। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए करंट डीप इमोशंस व्यूअर्स के पर्सन के क्या बने हुए हैं, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। King of Cups and the World, both are in reversed. Cancer, Pisces and Scorpio, Kirk, Moon and Vrishchik Rashi and Capricorn. Chances यहाँ पर definitely बन रहे हैं, दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई हैं। यहाँ पर आपके पर्सन जितना ज्यादा अपने इस रिश्ते के बारे में जो इन्हें आपसे मिला या मिल सकता था, जितना अपनी खुशियों के बारे में जो इन्हें आपसे मिल सकता था या मिला, उन सभी चीजों को लेकर एक नेगेटिव माइंड सेट में अपने आप को अंदर ही अंदर पा रहे हैं। एज एन की पाकर भी नहीं पा पाए, पाकर भी खो दिया, या उसको मेरी वैल्यू समझ में आई, उसकी मैं दुनिया बन गया था या बन गई थी, वो मेरी दुनिया बन गई थी या बन गया था, लेकिन फिर भी कुछ भी हासिल ना हो पाया। तो वो सभी चीजों को लेकर इमोशनली वे में काफी ज्यादा ब्लॉक करने की, अपने इमोशंस को हाइड करने की इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जा रही है। एज एन जो पा सकते थे वो नहीं पा पाए, ये मेरा था, इस पर मेरा हक था, या ये मेरी थी, इस पर मेरा हक था, और ये नहीं, वो उस चीज का पहाड़ा पड़ने वाले इंसान को अल्टीमेटली जब एक्शंस लेने थे, या जब वो चीजें मिल सकती थी, वो रिश्ता मिल सकता था, वो खुशियां मिल सकती थी, तब उस इंसान ने यहाँ पर लीड नहीं ली, और अब यही सभी चीजें इस इंसान को इमोशनली वे में अपने आप पर काबू करने के अलग कोई और ऑप्शन नहीं दे रही है। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि आपकी नजरों में इनकी वैल्यू खत्म हो गई है, तो अब आपको शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा इस रिश्ते के जाने का, क्योंकि आपके भी तो काफी सारे डाउट्स जो हैं इनके एक्शंस ना लेने पर सुलझ गए हैं, कि जो इंसान अभी एक्शन नहीं ले सकता, एफर्ट नहीं कर सकता, तो इन फ्यूचर आप उस पर क्या भरोसा कर पाओगे, या क्या आपका उस पर भरोसा करना उचित है भी या नहीं। तो ये सभी चीजों को लेकर भी ये पर्सन इस वक्त में इमोशनली वे में जो इनके इमोशंस जाग भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, आपको लेकर उन्हें ब्लॉक कर रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं, या उन्हें हाइड करने के पीछे का रीजन ये बन रहा है। व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस डिवाइन, टावर इन रिवर्स एंड फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स, एरीज एंड कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि। तो बेसिकली आपके पर्सन के इस वक्त में दिल में इच्छाएं तो यही उठ रही हैं कि किसी तरह से जो टावर इनकी जिंदगी में आया था ना, वो अब सही हो जाए, यानी कि जो तूफान में सब चीजें खत्म हो गई थी वो इन्हें हासिल हो जाए, वो इन्हें मिल जाए, जो बिजलियां इनकी खुशियों पर इनके ऊपर पड़ी थी वो बिजलियां
अब उसके बाद सभी चीजें फिर से सही हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली इन्हें अपनी तरफ से चीजें काफी ज्यादा खाली नजर आ रही हैं। ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि अब ये पर्सन ना अपने आप को बार बार उस सिचुएशन में पहुंचा रहे हैं जिस सिचुएशन में आप दोनों के बीच में ये टावर मोमेंट आया, जहां पर इन्होंने अपना प्यार किसी और से बांटा, या जहां पर इस इंसान ने आपसे वो बात कही जो आपके दिल पर एक बिजली के तौर पर गिरी। तो इस इंसान को इस वक्त में ना बार बार क्योंकि उस जगह पर लौट रहे हैं, तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जो इमोशनली वे में पहले आप इनमें बैलेंस ढूंढते थे, इनमें प्यार ढूंढते थे या आपको दिखता था, अब आपको नहीं दिख रहा। अगर ये आपको अब अपना सीना फाड़ कर भी दिखा देंगे या आपकी हथेली पर अपना दिल भी रख देंगे ना, तो आप इमोशनली वे में अब इन पर उस लेवल पर भरोसा नहीं कर पाओगे या अपने आप को उस तरह से इमोशंस वे में नहीं भर पाओगे जैसे पहले आप इनके लिए भरते थे। एज इन कि अब आपके भरोसे को, आपके प्यार को, अपनी गलती को ये पर्सन ना फिर से जीत नहीं पाएंगे। सो यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ बेसिकली अपने आप को उस सिचुएशंस में डाल रहे हैं जिस टाइम पे, जिस वक्त में ना ये टावर मोमेंट आप दोनों के दरमियान आया था, और जितना ज्यादा ये अपने आप को उस जगह पर पुश कर रहे हैं, उस अतीत में अपने आप को धकेल रहे हैं, उतना ज्यादा तकलीफ इन्हें पहुंच रही है, उतना ज्यादा आप इनके लिए अनअवेलेबल नजर आ रहे हो, वो चीजें हैं। इसीलिए इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स अपने तक सीमित रख रखी हैं, क्योंकि पता है ना इन्हें कि आप कितने अब इनके लिए अवेलेबल हो और कितने नहीं हो। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस व्यूअर्स को लेकर क्या बने हुए हैं, गाइड कीजिए डिवाइन। टेन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है नाइन ऑफ वैंड्स। देखो यहाँ पे भी डिफेंसिव मोड में है, लड़ रहे हैं अपनी फीलिंग्स से, अपने इमोशंस से जो इनके दिल में आज भी एग्जिस्ट करते हैं आपके लिए। बार बार उस पल में जा रहे हैं जिस पल में इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको खंजर घोपे, बार बार अपने आप को उस ब्रेकअप में लेकर जा रहे हैं, उस वजह की तरफ लेकर जा रहे हैं कि किन वजह से इस इंसान ने आपसे वो शब्द कहे या किस वजह से इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को खत्म करा। तो एक तरह से आप ये समझ लो जो सफाई, जो क्लैरिटी ये पर्सन आपको खुद से नहीं दे पा रहे हैं ना, वो ये बार बार उस जगह पर अपने आप को ले जाकर दे रहे हैं। ठीक है, जो सफाई इन्हें देनी है, जो क्लैरिटी इन्हें देनी है, जो शायद आप भी इनसे मांग रहे हो या आप भी चाह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सफाई जो इन्होंने नहीं दी है ना, वो इन्हें रातों रातों सोने नहीं दे रही, वो इनके सुकून को, चैन को छीने पड़ी है। हालांकि खुद इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, दीवारें खड़ी कर रखी हैं, क्योंकि वो कहने की हिम्मत ही तो नहीं है। वो जब इनसे इनके सामने कहने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही है, तो आपसे तो वो चीजें कैसे कह देंगे जिसका इन्होंने दिल तोड़ दिया। इनके तो फिर भी इन्होंने फेवर में काम करा, इनके कंट्रोल में, इनके इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने ये काम करा, तो इनसे नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये सभी चीजें आपसे कहना तो भाई बहुत बड़ी जंग है, बहुत बड़ी डील है। तो ऐसी चीजें इन्हें इस वक्त में फील हो रही हैं जो इन्होंने अपने अंदर व्यूअर्स रख रखी हैं। चलिए अब देख लेते हैं कहने की क्या इच्छा उठ रही है इस फीलिंग्स के साथ इस पर्सन की। आपके लिए मैसेजेस देखूंगी, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए इन सभी एनर्जीज, इन सभी स्टेट ऑफ माइंड के बाद व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस दीजिए। इट डजेंट फील राइट बींग अपार्ट फ्रॉम यू। तो आप कहना चाह रहे हैं जो दूरियां आई है ना आप दोनों के दरमियान, वो अच्छा नहीं महसूस करा रही हैं। माई हार्ट एक एक फॉर यू, आपको याद कर करके दिल रुकता है। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, क्योंकि दिल अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, इन्हें जरूरत है आपके वक्त की और आपसे जो एक कमिटमेंट मिल रहा था ना उस कमिटमेंट की। आई हैव सो मच टू से टू यू, आपसे बहुत कुछ कहने की इच्छा है, लेकिन उन सभी इच्छाओं को अपने अंदर इन्होंने कैद कर रखा है। चलिए व्यूअर्स, लास्ट नॉट लीस्ट में एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेती हूँ, गाइडेंस देख लेती हूँ, एंड देन हम इस रीडिंग का एंड करेंगे। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए स्प्रिट गाइड, मिस्टिक हीलर, ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड एंड एम्ब्रेसिंग एंथुसिएज्म।
देखो आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्यूअर्स कि सबसे पहले तो ये देखो कि आप कितना हील हुए हुए हो, आपकी सोल कितनी पेन में है, आप कितने हील नहीं हुए हुए हो। यानी कि अगर आप खुद हील हो, जैसे कहते हैं अगर आप खुद खुश हो तो आप औरों को खुश रख पाते हो, अगर आप खुद पॉजिटिव माइंड सेट करे हुए होते हो तो आप औरों को भी पॉजिटिव कर पाते हो। तो आपको सबसे पहले जानना है, समझना है, सुलझाना है अपने आप को कि आप खुद कितने पॉजिटिव, कितने हील हो। जब आप इस चीज पर वर्क कर पाओ, समझ पाओ, तो उसके बाद आपको कोशिश करनी है ग्रेटिट्यूड देने के अभ्यास की, उसे एक्सपेंड करने की। क्योंकि एक हील हुआ हुआ दिल, एक हील हुई भी सोल ही ग्रेटिट्यूड दे पाती है। अदरवाइज आप अगर दर्द में होते हो ना तो आपको हर किसी में नेगेटिविटी ही नजर आती है, तो वो चीजें आपको तब समझ में आएंगी। उस चीज को समझो और ग्रेटिट्यूड देकर आप वो चीजें हासिल करो जो आप चाहते हो। आप अपने ग्रेटिट्यूड को उस स्वर्ग तक, उस हेवन तक, उन खुशियों की तरफ लेकर जाओ जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो, जिस भी तरह से चाहते हो। उसके अलग ये भी बोला जा रहा है हीलिंग वाइब्रेशंस, हीलिंग एनर्जीज ना सिर्फ केवल आपको अपने तक रखनी है, अपने पर्सन तक भी हो सके तो आप पहुंचाइएगा, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हील होने की बेहद ज्यादा जरूरत है। लेकिन वो आप तभी पहुंचा पाओगे जब आप खुद से हील होंगे, आपका मन खुद से हील हुआ होगा, पॉजिटिव होगा और ग्रेटिट्यूड दे पा रहा होगा तहे दिल से। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में ऐसा गाइडेंस बोला जा रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर रीडिंग पसंद आई, कनेक्ट कर पाए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आई जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय बाय।